देखिए, एक बड़ी बात कही जाती है कि किसान आंदोलन ये बड़ा नुकसान करने वाला है। और रामचंद्र यादव हैं, प्रतापगढ़ जिले में हम लोग हैं अभी, तो कुंडा विधानसभा क्षेत्र में। तो रामचंद्र जी बताइए, किसान आंदोलन जो है ये कितना बड़ा मुद्दा है? इसे वो टूट पड़ी कि सिर्फ ये हवाई हवाई है? ये सिर्फ टाउन एरियों तक सीमित है, गांव में इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा, किसानों के ऊपर इस चीज़ का असर नहीं है। अच्छा, मतलब जहाँ जहाँ किसान है वहाँ किसान आंदोलन का असर है नहीं है? जो जो असली में किसान है उनका असर इस चीज़ पे नहीं है, जो नकली किसान है वो खाली उन्हीं का असर है जो नेतागिरी कर रहे हैं। तो ये जब आप लोग टीवी पे देखते हैं कि किसानों ने बड़ा हंगामा कर दिया, आंदोलन कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, तो तोरे सब एक मने में कहा हुआ था कि आखिर ये किसान है, इस किसान कैसे हो सकते हैं, किसी को मार डाले, हाथ काट डाले, क्या सोचते हैं आप लोग? अच्छा, एक चीज़ आप बताइए या खुद देखिए, जो अभी लखीमपुर में घटना हुई है, मैंने उस पर बहुत देखा, बहुत मैं न्यूज हमेशा देखता रहता हूँ। हाँ। तो उसमें क्या जो गाड़ियों से दबे हैं वही किसान थे या जिनको मारा गया वो किसान नहीं थे? वो कौन से शहर से थे जो शहरी हो गए? वो भी तो किसी किसान के बच्चे हैं। तो गांव में उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के मुद्दे पे चुनाव, मतलब अगर होगा भी तो उस पर वोट नहीं पड़ने वाला है सरकार के खिलाफ, इस पर वोट नहीं पड़ेगा? ग्रामीण स्तर पे बहुत कम इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, और क्या आपको क्या क्या आपको मुद्दा लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? अभी अगर हम कहें कि अगर मुद्दा आपके पाँच, एक दो तीन चार पाँच ऐसे कहें, तो क्या क्या मुद्दा है? जैसे सबसे पहला सड़क, जो ग्रामीण का ये सड़क व्यवस्था है ये दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ। और दूसरे रोजगार व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ। और तीसरे जो जितनी भी योजनाएं हैं इनको ग्रामीणों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, उनको जागरूक करना ताकि उनका योजना का लाभ वो ले सकें।